Okay. Today we're gonna find out the diameter of this marble wall. Diameter मतलब कोई भी गोल चीज उसके लिए. ठीक है भाई? जी. तो इसको कहते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज. क्या कहलाता है? माइक्रोमीटर स्क्रू गेज. उसके लिए हम इसको इसके अंदर लगाते हैं जिसके जॉर्ज में फंसाएंगे. हम इसकी वैल्यू देखेंगे जो कि 16 मेन स्केल रीडिंग हमारे पास आ गई 16 मिलीमीटर में है ये. ठीक है. और सर्कुलर जो गोल की है वो तकरीबन 23 है. तो ये आ गया 23 का मतलब 0.23. तो ये बना 16.23. और अगर इसको मिलीमीटर में है ये, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1.6 नॉर्मली रफली 1.62 सेंटीमीटर हो जाएगा. आसान तरीका है भाई, मैं इनको बताया आसान तरीका. कैसा तरीका भाई? इन सब को एक साथ. अच्छा अच्छा. और ओके ये आया 6.4. तो 6.4 के बाद क्या करूं मैं? डिवाइड कर 6.4. 4 से क्यों डिवाइड किया? चार और बॉल है. 6.4 डिवाइड बाय 4. कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं. एस एस ओहो 6.4 डिवाइड बाय 4 जवाब आ गया 1.6. वाओ ये तो बहुत एक्यूरेट आ गया. मेरे सुने एक बार हमने स्क्रू गेज से निकाला 1.62, इसका आ गया 1.6. तो कैलकुलेटर सेम है और जबरदस्त. अच्छा इसकी कोई प्रिकॉशन भी है? क्या है प्रिकॉशन? इनके बीच पे गैप लेना चाहिए और ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए. अच्छा रीडिंग ऊपर से लेना चाहिए. अच्छा रीडिंग में देखिए, रीडिंग के लिए आसान क्या है? ये पहली रीडिंग है 2 और ये पहली रीडिंग है 8.4. तो 8.4 माइनस 2 6.4. तो ये पहली फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग आखिर की रीडिंग और फिर इनको माइनस कर देंगे तो टोटल लेंथ आ जाएगी. तो ये हो गया. अब इस तरीके से अगर मैं कहूँ, ठीक है समझ आ गया, हम इस तरीके से इस पॉइंट की भी डायमीटर, इस पॉइंट की भी थिकनेस मालूम कर सकते हैं. इस पॉइंट की भी थिकनेस मालूम कर सकते हैं कितना मोटा है. तो हम किसी भी चीज की चीजें मालूम कर सकते हैं. ठीक है भाई समझ में आ गया? इनसे मुझे समझ में आ गया आप लोगों को? जी. आप बताइए, आप पूछे सब पूछे समझ आया? अच्छा ये वीडियो स्पॉन्सर्ड किस चीज की है? और आपको आपकी क्या है? तो वी आर व्हाट? वी आर जीनियस. यस बोलो. वी आर जीनियस. यस यस यस.